एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो आज कुछ खास डे है हमारे लिए, इनके लिए, दोनों के लिए। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इन्होंने कहा ला तू मेरी हेल्प करवा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी इन्हें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये मेरी हेल्प करवाते हैं। किचन में मैंने कुछ चढ़ाया हुआ था, तो आप देखो कि ये कैमरे को कैसे घुमा घुमा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था, बाद में मैं इनसे मजा भी ले रही थी, आप खुद ही सुनना। तो अभी ये बेडरूम में झाड़ू लगा रहे हैं। गाइस, झाड़ू वगैरह लग चुकी है और अब मैं आ गई हूँ मेरे किचन में। यहाँ पे मैंने मूंगफली ली है, मूंगफली को मैं अच्छे से पहले धुल लूँगी। इससे पहले मैं निकाल रही हूँ जो कुछ सड़ी वगैरह मूंगफली आ जाती है ना, तो उनको मैंने निकाल दिया है। वैसे थी नहीं, एक ही मिली थी, और इसको फिर मैं अच्छे से धुल लूँगी, गैस ऑन करूँगी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, सिर्फ सादी मूंगफली आप इस तरीके से भूंज कर रख लो तो आप व्रत वगैरह में भी आराम से खा सकते हो, और कोई भी रिफाइंड नहीं, कोई भी घी नहीं, और काफ़ी अच्छे से भून जाती है, टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए, साइड में मैं मूंगफली भूंज रही हूँ और उस साइड में मैं चढ़ाऊँगी चाय। दूध हमने रात में उबाल लिया था, तो जो दूध था ना उसको मैंने लोटे में रख दिया, और जो बर्तन था उसी में मैं चाय बना रही हूँ, दूसरा बर्तन मैंने नहीं यूज किया। तो यहाँ पर मैं चीनी डाली हूँ, जब अच्छे से खोल गई है यानी कि एक उबाल आ गया ना, तभी मैं चाय पत्ती और अदरक डाल रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैं मेरी चाय बना ले रही हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने डाला है कढ़ाई में रिफाइंड, हल्का सा, जस्ट, ज़्यादा नहीं। जब ये रिफाइंड आपका गर्म हो जाए ना, जब आप इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मतलब दो तीन मिर्चा, और इसके बाद थोड़ी सी मैंने चूरा लिया था, जैसे आप पोहा बनाते हो ना, तो आपको फटाफट से कुछ नमकीन टाइप का खा के बनाना है खाने के लिए, तो इस तरीके से बना सकते हो। तो डेढ़ कटोरी मैं यहाँ पर ली हूँ, पहले मैंने एक कटोरी डाली है, फिर आधी कटोरी और डाली हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। बस आपको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको बनाना होता है। फिर जो मूंगफली हमने भूंजी थी वो मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, और इसको अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है कुरकुरा कुरकुरा सा चाय के साथ खाने में। तो बस इस तरीके से हमारा ये बन गया नमकीन टाइप का, और यहाँ पर हमने चाय निकाल ली है अपने लिए, पापा के लिए, मेरी और इनकी एक प्लेट में, पापा की अलग। तो चलिए फटाफट से पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, आराम से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो बाबू बैठा है क्या? हाँ, अच्छा। तो आज है 6 तारीख और आज कुछ खास डे है। अभी लगा हुआ है पानी भरने के लिए, गीला है, बाहर नहीं जाऊँगी। तो आज 6 तारीख, चिंता ना करो, तो मैं नहीं दिखाऊँगी। तो आइए, पानी लगाए हुए हैं और अभी इन्हें नहीं दिखाऊँगी, बाद में दिखाऊँगी। अभी थोड़ी देर से मिलते हैं
तो गाइस अभी बज रहे हैं, किस रहे हैं 9:30, और ये जा रहे हैं आज शॉप खोलने के लिए। अब आज बताओ, आज क्या है बताओ? आज इनका हैप्पी बर्थडे है, आज दूसरा बर्थडे मना दिए। 3 तारीख को बर्थडे मनाए थे और इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया। क्या लियो हाथ में, दिखाओ। बर्थडे टू यू। ये क्या है? क्या है? कराची कराची हलवा। वाओ लाल, अच्छा लगता मुझे। इस बार मैंने मना किया कि बाहर का मत लाना। और ये किस मी चॉकलेट भी देखिए, ऐसा ये है वाला कि देखा किस मैंने मी? ये वाला नहीं देखा हमने, कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। इतना तो पता ही है कि केक ना सही तो कुछ और तो लेकर आए। पागल। तो चलिए ओके, बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बाय बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू। 10 बार सुबह से विश कर चुके हैं। बाय। मुझे पता ही था ये कुछ ना कुछ तो लाएंगे, हर बार लाते थे। क्या बोलते यार केक लाते थे, लेकिन मुझे इस बार पता था कुछ ना कुछ लाएंगे। तो ये थोड़ी देर से मिलते हैं आप लोगों से, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है? कुछ खास चीज मिलते हैं थोड़ी देर से। अब हम आ गए हमारे किचन में। इसके लिए हमने डाला है थोड़ा सा ऑयल सरसों का, और इसके बाद हम जीरा के बिना मुझे कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा हमने प्याज पीसा था, 3 प्याज लिए हैं, और इसको अच्छे से ही मैं भून लूँगी। जब ये हमारा अच्छे से भून जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी जो है हमारे ये हैं क्या बोलते इसको नेनवा आलू, इसको अच्छे से थोड़ी देर तक भून लूँगी। जब ये हल्का सा भून जाएगा तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी इस तरीके से, और नमक डाल के थोड़ी देर और भून लूँगी। ये बाबू के लिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जब बाबू के लिए मुझे सब्ज़ी निकालनी होती है, ये देखिए। और इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालूँगी, सॉरी टमाटर डालूँगी, और टमाटर को मैं चलाऊँगी नहीं, बिल्कुल स्लो गैस कर दूँगी और ढाँक दूँगी। इससे क्या होता है, आपका टमाटर बिल्कुल ही अच्छे से पक जाता है अगर आप चला देते हो ना, तो वो कभी पकता है और कभी नहीं पकता। ये देखो आप कितने अच्छे से ये पक गया, ये देखो बिल्कुल ही आसानी से ये पक जाता है। और इसको अच्छे से हम फिर इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी और सब्ज़ी को अच्छे से पका लूंगी। जब हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी ना, जब मैं बाबू के लिए निकाल लूंगी, और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जो हमारा 1 रुपये वाला मसाला आता है वो डालेंगे, और 5 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। 2 पैकेट मैं यहाँ पर डाली हूँ, तो बस फटाफट से हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 या 7 लगभग बज रहे हैं, और हम लोगों ने थ्रेडिंग बनाई, मैंने और कविता ने दोनों ने। और बाबू बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे भी बनवानी है, तो उसको बैठा दिया गया है सोफे पे, और वो भी कह रही ज़िद कर रही थी एकदम से। तो मैंने बोला कि हल्का हल्का से ऐसे धागा ऐसे ऐसे कर दो, मतलब निकालना नहीं है, जस्ट उसको लगना चाहिए कि हाँ उसकी भी बन रही है बस। तो बहुत परेशान थी, तो बोली चलो बना देते हैं। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखिए कितने आराम से बैठ कर बनवाने के लिए तैयार है। दिखाती हूँ, रुकिए, आ रही हूँ। निकालिए या नहीं लग रहा है बाबू? हाँ, क्या करवा रही हो? बस बस बन गया, दिखाओ। अले कौन बना रहा, बुआ बना रही है क्या? हाँ, अरे वाह, दिखाओ बन गई, बहुत क्यूट हो गया भैया, दिखाओ बन गई, दिखाओ। अले वाह, चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ। तो गाइस अभी रात के और आज मेरी कंडीशन देखिए, तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। सारा दिन ठीक रहती, रात में पता नहीं क्यों अजीब सी हो जाती, शरीर भारी भारी सी अजीब सा लगता है। हेयर वगैरह कहाँ जा रहा है, क्या तुम पूछे नहीं थे? ये गिरा भी दिए। तो आज मैंने बनाया है छोला, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि बहुत रेसिपी हो जाती है अभी सब्जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। टाइम बहुत बढ़िया लग के कोचिंग कर रही बेना, गाना पानी डाल दिल के दरवाजे पे इसके कर कलम चले बेना। कौन सा गाना गा रहे हो भोजपुरिया? तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आजा बस किचन में गाना इनका चलता है, और खाने में मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो रोटी भी बनाऊंगी। नहीं यार, थोड़ी सी कटोरी में निकाल दो ये वाली। तो बस अब हम लोग निकाल दो यार, नहीं हो जाएगी, इतने भर जाएगा, उससे निकालो ना चम्मच से। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
दिल के कलम चलाई बेना। कौन सिखाया है ये गाना तुमको? नाम सुने हैं। तुम सब गंदा कर रहे हो, अभी हम साफ किए हैं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। ठीक है गाइस, खाना मेरा हो चुका है और ये अभी खा रहे हैं। मुँह तो चलाओ, मुँह क्यों बंद कर लिए? क्या खा रहे हो? सब्जी चावल। सब्जी चावल और मैं खा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था, तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो थोड़ा सा मैं खा ली हूँ। और बस व्लॉग का एंड आज हम यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि आज उतने अच्छे से भी व्लॉगिंग हो भी नहीं पाई, और आज मेरा बर्थडे भी था, तो लगा नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि लगा ही नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। हर बार धूमधाम रहती थी, कुछ ना कुछ तो शाम को भी केक वगैरह कट जाता था, लॉकडाउन की वजह से कुछ हो भी नहीं पाया, लेकिन इन्होंने फिर भी दिया, दो चॉकलेट दी और क्या दिया था, लाल मिठाई नहीं, उसको वो बोलते हैं कराची हलवा था। और बस इसी तरीके से हमने सेलिब्रेट कर लिया और ब्लॉग का एंड आज मैं यहीं करती हूँ। आज से छः तारीख को मेरा बर्थडे होता है। कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों ने विश भी कर दिया था, और कुछ लोगों को नहीं पता था, तो पता चल जाएगा अब। तो बस मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, अगर कोई भी कमी लगी हो तो सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।